हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता क्या है? ठीक है, ये भी हमारा सेल डिवीजन का एक पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो उस सेल डिवीजन में क्या होते हैं, दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, टू टाइप्स के डिवीजन होते हैं। एक तो साइटोकाइनेसिस होता है और दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें से हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस होता कैसे है, तो ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई सेल है, ठीक, और इस सेल में ये क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सेल क्या होगी, जब भी सेल का डिवीजन होगा तो कॉमन सी बात है, क्या सेल के साथ साथ सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती उन सभी चीज़ों का डिवीजन होगा, है ना। तो जब ये सेल होगी, इस सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा, तो उस सेल का जब उस सेल में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसी को बोलते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो जब ये सेल का डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये सेल ऐसे डिवाइड होगी और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी हल्का सा इस तरीके से होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा कि दो न्यू डॉटर सेल बन जाएंगी, एक इधर और एक इधर, और इनमें क्या हो जाएगा, आधा आधा न्यूक्लियस यानी हाफ हाफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब सेल डिवीजन होगा तो उस सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन यानी न्यूक्लियस का हाफ हाफ होना हमारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वही चीज़ आ गई कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना यानी न्यूक्लियस का आधा आधा हो जाना। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियस क्या करता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और टू डॉटर सेल्स बनती हैं हमारी। कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात कर लेते हो तो कैरियोकाइनेसिस की कुछ स्टेज दी गई, कितनी स्टेज होती हैं, तो कैरियोकाइनेसिस की फोर स्टेज होती हैं। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज यानी पहली हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, यानी कैरियोकाइनेसिस में भी आगे चल करके कई सारी स्टेज आ जाती है, यानी फोर स्टेज आ जाती हैं कैरियोकाइनेसिस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में होता क्या है, देखो प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अनटैंगल्ड एंड कंडेंस। जब प्रोफेज स्टार्ट होगी कैरियोकाइनेसिस में तो जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो अनटैंगल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि टू क्रोमैटिड्स अटैच टू सेंट्रोमेयर। दो क्रोमैटिड जो होंगे वो किससे अटैच हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर से, और कैन बी सीन क्लियरली, और उनको हम आसानी से देख सकते हैं। मतलब टू क्रोमैटिड्स अटैच टू सेंट्रोमेयर कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो प्रोफेज में आगे क्या होगा, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड। अब देखो ये जो सेल ऑर्गन दिए गए यहाँ पर, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी कि प्रोफेज में डिसअपियर्ड हो जाएंगी, मतलब दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मेटाफेज की बात कर लेते हैं। तो मेटाफेज क्या है, कंप्लीट डिस इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप का यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, किसमें, मेटाफेज में। आगे टू सिस्टर क्रोमैटिड अटैच बाय सेंट्रोमेयर अलाइन टू एट इक्वेटर। जो यहाँ पर टू सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगी वो अटैच हो जाएंगी, किसके द्वारा, ये अटैच हो जाएंगी बाय द सेंट्रोमेयर अलाइंड एट इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे अपोजिट पोल पर, इक्वेटर पर होगा यहाँ पर। ईच क्रोमैटिड इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि ईच क्रोमैटिड, जो
जितने भी हमारे क्रोमैटिड होंगे इज अटैच टू स्पिंडल, वो स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे फ्रॉम अपोजिट पोल, मतलब अपोजिट पोल पर जाकर के ये अटैच हो जाएंगे। आगे आ जाता है हमारा यहाँ पर एनाफेज। एनाफेज की बात करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड टू क्रोमैटिड सेपरेट एंड गो टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो दो क्रोमैटिड होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे कि ये अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारा टिलोफेज, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड डी कंडेंस। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम के क्लस्टर्स होंगे वो अपोजिट पोल्स पर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, डी कंडेंस हो जाएंगे। आगे क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगी वो क्या होगी कि क्रोमोसोम के चारों ओर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगी वो क्या हो जाएगी, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी अराउंड ईच क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम एंड टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। और फिर क्या होगा कि दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे एग्जाम्स के लिए।